WBBL का मैच नंबर 8 है जो कि मैच खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर के बीच। भाई मेरे डबल हेडर मैच है और ध्यान रखिएगा डबल हेडर मैच में धमाकेदार एक मैच होने वाला है, मोटा माल कमाने वाला मैच होने वाला है। तो ये हो सकता है क्योंकि सिडनी थंडर की बात करें उतना बहुत बुरा हाल है। एडिलेड स्ट्राइकर जहाँ एक मैच अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है और जैसा कि देख सकते हो सिडनी थंडर अपना मतलब कि हॉबर्ट से मैच खेली है और हॉबर्ट से उतना सक्सेस नहीं रही है, एवरेज टीम परफॉर्म की है। और पहला मैच हुआ था हॉबर्ट से जिसमें देखते 41 चेस करना था, नहीं चेस कर पाए। दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर की यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें सिक्सर से मैच खेली थी और सिक्सर से पहला मैच तो हारी थी ब्रिस्बेन हिट से, दूसरा मैच सिक्सर से खेली थी जीती थी डिफेंड करा के। तो क्या होने वाला है, क्या एडिलेड पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है, स्ट्रॉन्ग टीम है। और ध्यान में रखना जो कि लोकल प्लेयर थे जो कि न्यूजीलैंड प्लेयर थे, न्यूजीलैंड के और इंडिया के प्लेयर थे वो वापस आ चुके हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर जो कि स्मृति मिधाना ये सब जो टीम में होंगे वो आ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एडिलेड वर्सेस ठंडा कौन सी टीम जीतेगा, 1 नवंबर फ्राइडे को मैच खेला जाएगा 10:15 PM पे AM पे मैच खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा सुबह का समय है, डबल हेडर मैच है, पहला मैच मुकाबला है। नॉर्थ सिडनी ओवर सिडनी वही मैच खेला जाएगा जहां अभी जस्ट पिछला मैच हॉबर्ट वर्सेस थंडर के बीच खेला गया था। थोड़ा क्लाउडली वेदर है लेकिन यहाँ पे पूरा मैच देखने को मिलेगा, ओवर रिड्यूस नहीं होगा, बारिश की संभावना बहुत कम है। नंबर सेव कर लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है 9319409525। मैच एसोसिएशन के अपडेट के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, काम चेक करो, सुपर से भी ऊपर काम दिया जा रहा है, जांचो पढ़ो, मार्केट से कंपेयर करो, कोई ऐसा काम नहीं दे WBBL 100% के साथ काम दिया जा रहा है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करना ज्वाइन कर लेना या व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में। मैं बिकम अजेटिया बोल रहा हूँ, बिकम अजेटिया प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। पिच के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली डिफेंडिंग नेचर का पिच है, डिफेंड होते हुए मैच यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं और जो कि हाईएस्ट चेस इस पिच पे देख सकते हो 146 से ज़्यादा चेस हुआ नहीं है, 125 यहाँ पे लोएस्ट डिफेंड है, ध्यान रखिएगा लोएस्ट डिफेंड 125, हाईएस्ट चेस 126, इससे ज़्यादा 146 से ज़्यादा यहाँ पे इस पिच पे चेस नहीं हुआ है। 52 मुकाबले में से 31 फर्स्ट बैट, 21 सेकंड बैट, 151 का एवरेज इसको फर्स्ट बैट का यहाँ पे हाई स्कोरिंग डिफेंडिंग नेचर का पिच है फर्स्ट बैट का, ध्यान में रखिएगा 242 हाईएस्ट बन चुका है, 68/60 यहाँ पे लोएस्ट है। स्कोरिंग पैटर्न बिलो 150 24 150 69 14 170 89 7 एवं 190 7 बैटिंग फ्रेंडली पिच है फर्स्ट बैट को, फर्स्ट बैट के लिए सेकंड बैट के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा पेस यहाँ पे 53 लास्ट 5 मैचों में से 60 विकेट गिरे हैं, 33 यहाँ पे पेस अटैक, 27 यहाँ पे स्पिन अटैक, पेस अटैक को ज़्यादा मदद मिलती है। अब रिसेंट का मैच देख सकते हो, रिसेंट में मात्र एक मैच 5 मैचों में से एक मैच डिफेंड चेस हुआ है, वो भी 122 रन, बाकी सारे स्कोर हाई स्कोरिंग फर्स्ट बैट हाई स्कोरिंग मैच का ये नेचर का पिच है, ध्यान रखिए। अब दूसरा मैच इस पिच पे खेला जा रहा है तो पिच खुल चुका है, यहाँ पे आसान है स्कोरिंग करना फर्स्ट बैट पे, ध्यान रखिएगा फर्स्ट बैट का एडवांटेज है। पिच पे बाउंस है, नए बॉल के साथ यहाँ पे स्विमर विकेट लेते हुए नजर आएंगे जो कि ध्यान इस बात का भी रखिएगा। दोनों टीम बात करेंगे, 16 में से 10 एडिलेड स्ट्राइकर सिडनी थंडर 6 और एडिलेड स्ट्राइकर की बात करेंगे 3 ईयर कंटिन्यू बैक टू बैक, पिछला सीजन के भी चैंपियन, उससे पहले 3 साल कंटिन्यू कप जीत के आ रही है। दूसरी तरफ तो रिकॉर्ड भी अच्छा है एडिलेड स्ट्राइकर का, 16 में से 10 जीती है सिडनी थंडर, 6 जीती है। मैच बात करेंगे BBL 2024 2 में से 2 एडिलेड स्ट्राइकर ने जीती थी, एडिलेड स्ट्राइकर अब स्ट्रॉन्ग टीम, इनके कुछ प्लेयर्स आ चुके हैं। लास्ट 5 मैच में बात करेंगे, 5 मैच में 5 एडिलेड स्ट्राइकर ने जीता है और सिडनी थंडर एक भी मैच नहीं जीती है। तो देख सकते हो एडिलेड स्ट्राइकर हॉट फेवरेट टीम बन रही है इस मैच के लिए और मार्केट फेवरेट भी है एडिलेड स्ट्राइकर, और जहां 60% यहां पे मार्केट फेवरेट है एडिलेड स्ट्राइकर, और थंडर की बात करेंगे 35% है और एक टाई पे है, 5% टाई पे है। एड वेन्यू की बात करेंगे, मैच एक डिफेंड हुआ है इस पिच पे खेला गया है, एक एडिलेड स्ट्राइकर ने डिफेंड करके जीता है। एवरेज स्कोर एडिलेड स्ट्राइकर 129 सिडनी थंडर। इस वेन्यू की बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर एक मैच जो कि देख रहे 144 डिफेंड करके जीती है। लास्ट 5 मैचों का स्कोर देख लो, लास्ट 5 मैच जो कि हुए 121 118 144 99 176 जो कि 176 लास्ट 5 मैच हाईएस्ट 5 मैच का ही कंपेरिजन करो, क्योंकि 5 मैच पहले बहुत सारे टीम चेंज होते हैं, बहुत सारे प्लेयर रिटायर्ड हो जाते हैं, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा ज़्यादा स्कोर बनता नहीं है। स्कोर बनता है 120-30 वाला स्कोर चेस हो जाता है, 150 वाला स्कोर इनके बीच डिफेंड होता हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात का। अब देखो पिच की खासियत है कि यहाँ पे 140 बिलो चेसेबल होगा, 140 के प्लस भी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, 150 वाला डेफिनेटली डिफेंड होते हुए टीम को बेनिफिट मिलेगा,
यार जो टीम डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉफिट वाले बात करता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। डिफेंड करा रही है तो लो ऑड्स लग जाएगी, चेस कर रही है 140-135 मिलो तो लो ऑड्स में मिल जाएगी आपको, ध्यान रखिएगा। कुछ भी हो, कैसे सेकेंड इनिंग या फर्स्ट इनिंग में जैसे भी हो, रिसेंट फॉर्म बात करेंगे। एडिलेड स्ट्राइकर की बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट मैच जीती, पहला मैच ब्रिस्बेन से हारी, सिडनी थंडर लास्ट मैच हॉबर्ट से हार के आ रही है। और टीम न्यूज बात करें, एडिलेड स्ट्राइकर तालिया मैकग्रेथ स्क्वाड को लीड करेगी और सिडनी थंडर के फोबी लिचफील्ड स्क्वाड को लीड करेगी। प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है दोनों टीम, एडिलेड का देख लेना, कुछ प्लेइंग 11 चेंज हो सकता है एडिलेड के, कुछ प्लेयर्स आएंगे ध्यान रखना। एडिलेड की बात करें, कैटी मैक, लॉरा वोल्डर और मैडलिन पेन, तालिया मैकग्रेथ, ब्रिड जेट पीटरसन, ओरला ब्रेड गोस्ट, अमंडा जेड वेलिंगटन, जेमा ब्रेसी, मैगन चू और डार्सी ब्राउन और एनिसू जो कि खेलते हुए नजर आएगी। सिडनी थंडर की बात करेंगे, चवानिया तपाटू श्रीलंका की टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जॉर्जिया वॉल, फोबी लिचफील्ड, तालिया विल्सन और जॉर्जिया अनिका और यहाँ पे सैमी जॉनसन, इला ब्रिको, हैना डार्लिंगटन और सबनम इस्माइल और समांता बेट्स जो कि खेलते हुए नजर, समांता बेट्स अच्छी प्लेयर है, बॉलिंग है अच्छी, विकेट लेते हुए नजर आई थी तो अच्छी प्लेयर है समांता बेट्स। और दूसरी तरफ यहाँ पे सबनम इस्माइल थंडर की तरफ से अपलिंग इंग्लैंड कंपटीजन कर रहे हैं। देखो एडिलेड स्ट्राइकर एक तरफा मैच बना सकते हैं, चांसेस है लो ऑड्स लगेगी, हारेगी भी तो लो ऑड्स देखे हारेगी एडिलेड, इतना समझो। बाकी आपको ज़्यादा प्लेयर के बारे में आपको नहीं मालूम होगा, समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ इतना बोलूंगा एडिलेड स्ट्राइकर की मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन स्ट्रॉन्ग है, टॉप ऑर्डर एवरेज परफॉर्म है, बॉलिंग अच्छी है। सिडनी थंडर की टॉप ऑर्डर अभी भी स्ट्रगल करते नजर आ रही है, नीचे डेप्थ में एक तालिया विंसन ठीक ठाक है और नीचे मतलब डेप्थ में उतनी अच्छी बैटिंग नहीं है, बॉलिंग एवरेज है ध्यान में रखिएगा। अब ड्रीम इलेवन टीम बना रहे हो, इससे पहले सेशन के बारे में सुन लो, 35 से 40 के बीच में सेशन इस मैच के लिए यस होने वाला है, 140 प्लस सेशन यानी कि 140 ले लो, 140 की बिलो जो भी सेशन मिलेगा यस हो जाएगा, 145 बिलो सेशन यस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, 170 प्लस नॉट में जाएगा अगर मिलता है तो। पैटरसन को लेना विकेट कीपर में, डी मिलो टीम वॉल्डर को, लिचफील्ड को, चवारिया तो पार्टो को, मैकग्रेथ को और यहाँ पे वेलिंगटन को, मैकच्यूट को और मुसांगे को और ब्राउन को, बेट्स को, ये टीम में ले लेना, कैप्टन बना रहा हूँ चवारिया तो पार्टो को। और वाइस कैप्टन तालिया मैकग्रेथ भी अच्छी ऑप्शन है, वेलिंगटन भी अच्छी ऑप्शन है, जा सकते हो, सूजी बेट्स भी अच्छे ऑप्शन जा सकते हो और ये प्रेंडगेटन है, ये इनके साथ भी वाइस कैप्टन जा सकते हो। डी मिलो टीम में बिल्कुल ही फ्री देता हूँ, फैंटेसी ब्रूना नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप देख सकते हो वुमेंस का हर एक टीम फ्री दिया हूँ और क्लीन स्वीप करा के दिया हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए कमेंट बताइए कौन सी टीम जीतने वाली है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, टेलीग्राम बस ज्वाइन कीजिए, अगर कमाना चाहते हो ड्रीम इलेवन का भी टेलीग्राम, इंटरेस्टेड हो ड्रीम इलेवन वाले हो तो ड्रीम इलेवन के लिए अलग टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वीडियो चलो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।